मदनगंज थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला धनी देवी हत्या मामले का 9 घंटे में खुलासा करते हुए मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी सीकर निवासी 29 वर्षीय नवीन कुमार जांगिड़ को गिरफ्तार किया। आरोपी नवीन कुमार नशे का आदी है। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसने बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया। आरोपी पिछले कई दिनों से बुजुर्ग महिला की रैकी कर रहा था। प्याऊ पर महिला के पहने जेवर को देख आरोपी ने महिला का अपहरण कर लूट की योजना बनाई थी। आरोपी महिला को कृषि मंडी क्षेत्र से भैला फुसला कर सुनसान जगह पर ले गया और उससे गहने खोलकर गला घोट कर मार डाला और मौके से फरार हो गया। मृतक 70 वर्षीय धनी देवी सामरिया मदनगंज थाने के सामने रहती थी। महिला जयपुर रोड स्थित पानी की प्याऊ पर काम करती थी। कल दोपहर से महिला घर से निकली, उसके बाद से महिला लापता थी। परिजनों ने मदनगंज थाने में देर रात को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शनिवार सुबह अम्बेडकर भवन में सफाई करने पहुंचे ठेकेदार ने बाथरूम में महिला का शव पड़ा देख इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने FSLV डॉग स्क्वायड टीम को मौके पर बुलाकर साक्षी जुटाए हैं। वहीं पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 4 टीमों का गठन किया गया था। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को धर पकड़ लिया। आरोपी आदत नशेड़ी बताया जा रहा है और नशे के चलते उसने इस हत्या को अंजाम दिया। मदनगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।